ओके फ्रेंड्स, सो ये अहमदाबाद की मशहूर इलियासी मस्जिद के बारे में वो बता रहे हैं कि यहाँ पहाड़ से डायरेक्ट पानी उतरता था जो वजू के लिए यूज होता था। तो वेरी सॉरी का कैंपिंग में आपको इस कैमरे में नहीं दिखा सका, ऊपर ठंडियानी में मेरी बैटरी खत्म हो गई। ये क्या है सर? वो आपको नजर आ रहा है, आपसे थोड़ा सा कोना रह गया तालाब का, बाकी इन्होंने फिल करके पार्किंग बना दी वहाँ से लेके वहाँ तक सारी जो ग्रिल लगी है उसके अंदर तालाब। अच्छा ठीक, आप भी आए हैं? मैं आप इसका पानी कहाँ से? इसमें भी ये पानी नेचुरल है। तो ये कि वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम पानी यहाँ पे मैंने नमाज पढ़ी है। तो फ्रेंड्स, सो यासी मॉस्क से होके निकल के बाहर जा रहे हैं। कह रहे हैं पहले वो भी पानी का तालाब था जिसको अब पार्किंग बना दें। डिफरेंट पकौड़ा शॉप से यासी मस्जिद के बाहर, लगता है ये यहाँ के मशहूर पकौड़े, बिकॉज वो भी कुछ ऐसे ही निकल कर रहे थे साकिब भाई। तो ये इनके पास देखें अंडे हैं बेसन वाले पकौड़े। अस्सलाम वालेकुम, किस तरह हैं पकौड़े? वाह यार वाह, माशाल्लाह। ये पकौड़े निकल रहे हैं रियासी मस्जिद के बाहर, और ये डिफरेंट ये भी पकौड़े हैं। काफ़ी शॉप्स हैं ना, मार्केट है पकौड़े की। और ये सामने इस तरह कुछ चिकन कढ़ाई, बीफ टिक्का और ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक मार्केट टाइप बनी हुई है खाने की, अहमदाबाद की खाने। फ्रेंड्स, ये एक नई बात बताई है साकिब भाई ने कि ये सिख गुरुद्वारा शायद ये इनिशियली बनना शुरू हुआ था या बन गया था, तो ये सिख गुरुद्वारे के बाद में मस्जिद में कन्वर्ट किया है। गलियां चलिए।